हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथमेटिक क्लासेस। तो गाइस, ये है डिवाइड ट्रिक पार्ट वन का फुल सीरीज़। तो गाइस, इसको मिस मत करना, इसको देखना पूरा वीडियो। तो फटाफट से मैं डिवाइड का आपको ट्रिक बता देता हूँ। गाइस, पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि जैसे कि कोई भी रैंडम नंबर है, जैसे 22 है, इसको आपको 5 से डिवाइड करना है। तो इसका आंसर मैंने बताया था 4.4। तो डायरेक्ट मैंने बता दिया, क्योंकि देखो गाइस, इसमें इसका एक ट्रिक होता है निकालने का। किसी भी मतलब डिवाइड में अगर नीचे आपको 5 दिख रहा है ना, तो 5 वाले में ये वाला ट्रिक काम आएगा। आप इस ट्रिक को अप्लाई कर देना। जैसे कि ऊपर वाला जो ये वाला नंबर है, इसको हम 22 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर इस पर आएगा 44, ठीक है गाइस। यहाँ पर आ गया 44। तो अब हम यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है, इसको वन वन एक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे गाइस। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर एक और बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 63 है और इसको आपको 5 से डिवाइड करना है। तो गाइस, नीचे 5 है ना, बस हमको ये देखना है, नीचे 5 होना चाहिए। ऊपर वाला नंबर को हम 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6, 12, ये आ गया गाइस। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे जो शुरू शुरू वाला नंबर है, इसको ये 1 छोड़ के आप पॉइंट लगा देंगे। ये हो गया इसका आंसर गाइस। आप एक बार कर देख लेना, इसको यही आंसर आएगा। तो गाइस, यहाँ पे दूसरा ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। अगर किसी भी डिनोमिनेटर में 25 आया और ऊपर मान लो कोई सा भी रैंडम नंबर, जैसे कि 623 मैंने ले लिया यहाँ पे, 623, और ऊपर कोई सा भी रैंडम नंबर आ गया यहाँ पे, नीचे डिवाइड में 25 है। तो गाइस, इस हालत में आपको करना ये है कि इसमें आपको जो है, इसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ पर आ जाएगा 2492। तो गाइस, यहाँ पर आ जाएगा 2492। तो इसमें आपको क्या करना है, 25 आपको इसमें ध्यान रखना है कि नीचे 25 होना चाहिए। अगर 25 नीचे है और ऊपर कोई सा भी नंबर हो, रैंडम नंबर कोई सा भी हो, तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले नंबर को आपको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है। और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2 नंबर को छोड़ देना, शुरुआती का जो 2 नंबर, इसको छोड़ने के बाद पॉइंट लगा देना गाइस। ये हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है गाइस। ऐसे ही आप और भी नंबर लो और कर लो। और गाइस, यहाँ पे 125 को भी आपको बता देता हूँ। अगर उस किसी भी डिवाइड की जो डिनोमिनेटर है, इसमें 125 है गाइस, इसमें 125 है। और जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 123 ले लिया, ठीक है, 123 ले लिया। तो जब 125 है, तो इसको जो आप ऊपर वाला जो नंबर है, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे? 8 से मल्टीप्लाई करोगे। 8 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा 4984, ठीक है। इसी आ गया हमारा 4984। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें थ्री डिजिट जो थ्री नंबर के बाद आपको इसमें यहाँ पे 3 नंबर के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ये हो गया हमारा आंसर। तो गाइस, 125 वाले में 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 25 वाले में हमको यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, और गाइस 5 वाले में हमको 1 नंबर के बाद इसको यहाँ पे पॉइंट लगाना है और इसको निकाल लेना है। सिंपल ये ट्रिक। तो गाइस, ध्यान रखना कि नीचे 5 होना चाहिए, यहाँ पर नीचे 25 होना चाहिए, और यहाँ पे 125 होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस, वीडियो समझ में नहीं आए तो इसको वापस एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में खुलकर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।